Assalamualaikum everyone। और आज स्कूल से ऑफ है तो मैं घर ही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मेरा क्या सरों का ही हो गया, और यहाँ पे अभी चाय पार्टी चल रही है। वालेकुम अस्सलाम। अभी यहाँ पे चाय पार्टी चल रही है। हाशिम जो है ना, हाशिम हमारे घर में ना छोटा सा बच्चा है, बड़ा इनोसेंट है। तो हाशिम ना बेबी, मतलब बेबी है, और बेबी वाले क्वेश्चनिंग करता है, बेबी क्वेश्चनिंग करता है। रात को भी मुझसे ये पूछ रहा था कि मेरी कोई चाइल्डहुड मेमोरी बता दो, कोई छोटी मोटी चाइल्डहुड की बात बता दो। तो रात को तो वैसे मुझे नींद आई हुई थी, तब मैंने हाशिम को कहा अभी मुझे नींद आई हुई है, सुबह बता दूंगा। अब हाशिम ने कहा अब तो आपको नींद नहीं ना आई हुई, अब तो जागे हुए, अब तो बता दो। अब मैं हाशिम को अपनी वो वीडियो भी दिखाऊंगा। रात को तो खैर मैंने इसको इतना थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि मैं 6 ईयर्स का था और मेरा फर्स्ट रोज़ा मैंने तब रखा था। तो हाशिम उस बात में ना बहुत सरप्राइज्ड हुआ। और अब मैं हाशिम को वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मेरी रोज़ा कुशाई हुई थी न्यूज चैनल पे, और मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऑयस्टर्स में भी मेरी काफ़ी पिक्चर्स हैं, तो मैं पार्टिसिपेट करता था कॉम्पिटिशन में। हाँ इधर आ जाओ, फिर इधर इधर ही बैठ के देखते हैं। मैं तब बड़ा पार्टिसिपेट करता था बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, और जब मैं विन करता था तो मुझे प्राइजेस भी मिलते थे। एक दफ़ा तो मैं माउस पे विन करके आया था, वो जो ब्लूटूथ माउस होता था। इधर ही थी बस, कहाँ गई ये, मैंने कहाँ रखा हुआ आपने, यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ था? जी मैंने पॉइंट आउट तो किया था, इधर ही थी बस, इधर होगी यहाँ पर, मैं मुझे गुम होगी। हाँ ये है, ये था मैं, ये छोटे से हो। हाँ मैं तो कितना मासूम था, कितना प्यारा था मैं छोटे होते से, बस शक्ल से मैं मासूम नहीं, तू फुल चतान होता था। मासूम मुझसे पूछो, चतान। और मैं यहाँ पर माउस जो विन किया था मैं, मतलब मैं वो विन किया था कंपटीशन और मुझे माउस मिला था, कहाँ गया वो किधर है, वो भी यहाँ पे ही था, मैंने उसको भी पॉइंट। हाँ और ये मैंने स्टोरी भी लिखी थी, आई एम अ लिटिल पॉट, ये मैंने खुद ही लिख ली थी। और ये ड्राइंग भी बस मैंने खुद ही कर ही ली थी किसी ना किसी तरीके। ये आपको इतना था, कितना एक्टिव था, और आप जो है वो ये अभी तक इतना बेबी हो, फुल बेबी है बस, तकरीबन बेबी वाले क्वेश्चन ही हमसे पूछता है। और मतलब ये वो बात, ये हमारे लिए बेबी है, अच्छा ये बड़ा हो ही ना, इतने प्यारी प्यारी क्वेश्चन ये बड़ा पूछता है, ये बड़ा क्यूट सा हमारा बेबी है। और यार वो कहाँ गया, जहाँ भी मैंने चलो वो ना इसको ना वीडियो दिखाओ ना इसका फर्स्ट इसने रोज़ा रखा था, और इतना मना करने के बावजूद इसने वो रोज़ा रखा था, क्योंकि इसने मम्मा से कहा कि मैंने रखना रोज़ा सहरी में ना, तो ये जागा रहा। मैं ऑफिस से आता था सहरी से थोड़ी देर पहले ही, इसने ना कहा कि मैंने ना वो रखना है रोज़ा, मतलब और इसने ना कहा कि पापा को नहीं बताना क्योंकि मैंने मना कर दिया था इसको। मतलब मैं पूरी रात छोटा था, मैंने कहा इतना मुश्किल हो जाएगा, मैं पूरी रात जागा रहता था, मैं सोता ही नहीं था। मैं जब पापा आए ना तो एकदम ना मैंने पापा को देखो, मैं ना फटाफट बेड पर लेट गया, मैंने एक्टिंग शुरू कर दी कि मैं सो रहा हूँ। फिर ना मैं मम्मा के पास चुप करके गया, मैंने कहा मम्मा मैंने भी सहरी करनी है अंदर। मम्मा ना चुप करके अंदर ले आई, मैं अंदर ही खा के ना मम्मा बाहर ले गई, मैंने चुप करके रोज़ा रखी गया उस दिन। और पापा मुझे फिर ना रात को पता चला, ओ शाम को पता चला जब मैं इफ्तारी कर रहा था से थोड़ी देर पहले कि इसका रोज़ा है, इसने सारा वो प्लान सेट किया हुआ था इसको, इसकी पहली रोज़ा कुशाई जो है वो न्यूज चैनल पे हुई थी, रमजान ट्रांसमिशन में हुई थी। आओ मैं आपको फिर दिखाता हूँ, इसके साथ देखा हूँ वीडियो जाके ना, मैं दिन देखता हूँ। छोटा सा बच्चा है हमारे पास, रोज़ा कुशाई इस तरह से, ये आज मेरे ख्याल से पहला रोज़ा इन्होंने हमारे साथ अफ्तार करेंगे आज। और मोहम्मद मूसा, मोहम्मद मूसा नाम है। मोहम्मद मूसा क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा। अच्छा रोजा रखा है आपने? गर्मी ज्यादा रोजा लगा तो नहीं आपको? नहीं मूसा रोजा जो नहीं लगा था ये पापा के डर से नहीं लगा हुआ था या बस बस यही कह रहे हो कि नहीं लगा, वैसे सही में लगा हुआ? नहीं बस लगा था थोड़ा बहुत, बस थोड़ा सा लगता ही है, अभी भी थोड़ी बहुत प्यास तो लगती है, कोई भूख लगती भी है। और नमाजें पढ़ी आपने?
नहीं मैं छोटे से होकर रोजा रख लिया, मेरे से तो अब भी बहुत मुश्किल से होता है। बस मैंने रख लिया था और इन्होंने मुझसे अभी पूछा कि हम नमाज पढ़ी थी, मैंने किया नहीं, मतलब मैं नहीं हाँ बस ऐसी लगा रहा, मुझे नहीं पता था उस वक्त मैंने नमाज पढ़ी थी, लेकिन मैंने इनको नहीं कह दिया, बस मैं ऐसी बोल रहा था यहाँ पे हाँ करना, मुझे नहीं पता था, बस मैं ऐसे ही बोलता रहा। 6 साल एज है इसकी, छोटा सा बच्चा है ये, और यकीन है जब सीख जाएगा। आज पहला रोजा है, पहला रोजा है, बिल्कुल रोजा कुशाई आज हम करवाएंगे, जिंदगी का पहला रोजा है। आमीन आमीन, सदा ये सारी जिंदगी रोजा रखते रहें जी। बिल्कुल, जिस साल का बेटा है ये तो नहीं पता। मुसा मुसा हम किचन सेगमेंट में चलते हैं, देखते हैं आज बन क्या रहा है। आपकी रोजा कुशाई है तो आपको भी मैं साथ ही लिए चलती हूँ। बड़े मजा मजा की चीजें बन रही हैं। मैंगो फ्यूजन के नाम से मैंगो ड्रिंक है और इसमें मुझे आम नजर आ रहे हैं। मुसा जब यहाँ पहुँचा ना, मुसा जब यहाँ पहुँचा तो इसके ना वो देखो चीजें पड़ी हैं, इसके मुंह से पानी आ रहा था। मुसा आप देख रहे हो, आपने आपने खाना नहीं खाना, क्यों नहीं खाना? ये क्या बात हुई, नहीं खाना? उन्होंने मुझसे पूछा खाना, उन्होंने कहा नहीं खाना, मतलब मेरा मैंगो स्मूदी देख के मेरे मुंह से पानी आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कहा मैंने नहीं खाना। आपकी तो रोजा कुशाई है, आपके लिए तो सब कुछ बन रहा है। बन रहा है, अंदर से ना मुझे बड़ी खुशी चढ़ी हुई थी कि मैं अब इसको पीऊंगा, कितना मजा आएगा। भूख तो मुझे बहुत ही लगी हुई थी उस वक्त। ग्राइंड हो रहा, मैं कहा बस इफ्तारी होने वाली है और बन रहा है, बस मैं फटाफट पी लूंगा। क्या प्यास लगी आपको? नहीं लगी? तभी आप ये ड्रिंक पियोगे। हाँ मुसा ये ड्रिंक भी पिएगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ड्रिंक पियोगे, मैंने कहा जी बिल्कुल पियूंगा। हाँ फिर मैंने कहा अच्छा अब अपनी दिल की बात भी करते हैं। सफर का जो है ना वो पैमाना यार टूट गया था आपका। बस पर मैंने कहा दिल की बात भी की जाए फिर। मूसा की आज हमारे साथ रोजा कुशाई है और मूसा ने आज जिंदगी का पहला रोजा रखा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से हर साल इसकी जिंदगी हो और ये इसी तरह से रोजा रखता रहे। आमीन आमीन, मैं पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा। आपको पता है जो ये लास्ट रमजान गुजरा है उसमें मैंने 10 रोजे रखे थे और भाई ने 8 रखे थे। भाई को तब फीवर हो गया था तो मैंने डेली रोजे रखे। हाँ बस हाशिम ने रख लिए थे। अब तो सारे थे लेकिन स्कूल तब खुले हुए थे तो स्कूल हमने जाना होता था तो बस हम सैटरडे संडे को रख लेते थे और मुझे तो वैसे 2 डेज फीवर हो गया और मेरे 10 पूरे नहीं हुए, मैंने 8 ही रख लिए थे उस वक्त। बस थोड़ा सा वो होता ही है, मैं फर्स्ट टाइम क्योंकि गया था उधर न्यूज़ चैनल में, फर्स्ट टाइम उस वक्त हुआ था तो आपको पता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इसके लिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले रमज़ान में सारे रोज़े रखूँगा, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग चाहिए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।